तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को जो है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है और पोजीशन में अबाउट द ओरिजिन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है तो स्वीप आउट इक्वल, देखो अगर यहाँ से ये जो पार्टिकल है तो अगर इसको बात करते हो तो यहाँ से स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, मतलब इसको तुम ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ से कहता है कोई पार्टिकल है स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, तो ये एक सर्कल है तो यहाँ मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। पार्टिकल कभी ए पर था तो ए से पार्टिकल बी पर गया, समझना, तो बी पर गया, बी से फिर पार्टिकल सी पर गया। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ, ये जो एरिया, ये वाली एरिया है ये, और ये जो दूसरी वाली एरिया है, ये वाली एरिया है, ये एरिया इक्वल है यार। ठीक है, मतलब एरिया क्यों इक्वल है, कह रहा स्वीप आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल डीए अपॉन डीटी रेट, ये स्वीप आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट तभी है जब एरिया ए वन बराबर है ए टू के, ये वाली एरिया ए वन है और ये वाली एरिया ए टू है, तो एरिया ए वन बराबर ए टू है और रेडियस आर तो मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो अगर रेडियस भी बराबर है इसका मतलब ये हुआ कि आर्क ए बी बराबर होगा आर्क सी बी के, ये दोनों आर्क की लेंथ भी इक्वल होगी, इसका मतलब ये हुआ डी थीटा अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है आर कांस्टेंट है, आर तो कभी मैग्नीट्यूड में चेंज ही नहीं हुआ, तो बी इज इक्वल टू होता आर ओमेगा, मतलब लीनियर स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो अगर लीनियर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन जीरो आ जाता है और सेंट्रिपिटल एक्सलेशन होता है बी स्क्वायर ओवर आर। तो ये बात तो सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ जो एक्सलेशन आता है, ये सेंटर की तरफ जो एक्सलेशन आता है ए सी, उस ए सी की वैल्यू होती है वी स्क्वायर ओवर आर, तो अगर और ये इस लाइन में जो एक्सलेशन आता है वो जीरो होता है, तो ये जो रेड फिर यहाँ पर आएगा तो ए आ जाएगा और इधर आ जाएगा जीरो एक्सलेशन। कुल मिला के अगर इससे एनालिसिस करोगे वेलोसिटी रिमेन, देखो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी तो कभी कॉन्स्टेंट होती नहीं है, स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो एक्सलेशन रिमेंस एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है यार, एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सलेशन रिमेंस कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सलेशन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू जीरो है टेंजेंशियल, तो फाइनली हमारा यहाँ से बी और डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।